Chua. Y te peleé con chua por ti. Billy con chua por ti, tú. अब इसकी हम बिरयानी बनाएंगे और ये दूध वाले पोर्शन की हम खीर बनाएंगे। मेरा दिमाग खराब है, भैंस की कोई खीर बनाता है? भैंस की जब राइस की खीर बन सकती तब भैंस की खीर क्यों नहीं बन सकती? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती सादिक। मुझे आज भी याद है जब तुम इतने से पैदा हुए थे, मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया, आई मीन गोदावरी नदी में खिलाया। सही कह रही हो तुम गफूर। कब तक अर्चना बन बन के लोगों को पागल बनाती रहोगी? अरे हम सब मर्द टीवी पे पैसा कमाने के लिए औरत बन बन कर क्या कुछ नहीं कर रहे। अरे 3 साल से हमने आगे जिप वाली पैंट तक नहीं पहनी। पीछे रखो, मेरे पास मत लाओ। अच्छा, मेरे को आदत है डलवा के भी बोलती है पास मत लाओ। अरे ऐसी बात नहीं है, अभी भी मुझे इसकी आदत है, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने आज रात डिनर में 2 ड्रम पेट्रोल पिए थे, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं फट जाऊंगी। वाह, तुमने पेट्रोल पिया है? हाँ। मतलब तुम्हें गाड़ी की तरह यूज करके मुझे शहर ले जाना पड़ेगा? हाँ। मैं शहर जाएंगे हम लोग, वहाँ पर ना वो क्यूट सा वो खरगोश है ना, वो लेकर आएंगे हम लोग। आई वांट टू ईट। तुम बिल्कुल भी माइंड ब्लोइंग नहीं हो। अरे वो खरगोश नहीं है, दर्शील सफारी है। मैं तेरे को ये नहीं लगती क्या? चैनल वाली ये नहीं लगती क्या तेरे को? मैं टीनू आनंद की बात कर रही हूँ। चलो ठीक है, शहर जाएंगे, लेकिन थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं। ये बार बार क्या नहाए? ये फ्रेश हो जाएंगे। अभी तो 2 साल पहले नहाई थी मैं। अरे हमसे तो अच्छा हमारा वो कचरू भाई है सिद्धार्थ जाधव, बम्बई में ज्यादा बारिश आ जाए ना तो राजस्थान चला जाता है कि बारिश की एक भी बूंद ना पड़ जाए उसके ऊपर। सही बोल रहे हो तुम। He's so... What the hell is going on? ये क्या अनर्थ हो गया? तुम पहली बार इतने साफ सुथरे और फ्रेश लग रहे हो। मैं फ्रेश नहीं लग रहा हूँ, मुझे सजा मिली है। हा? मैंने अभी एक पनीर खाया और मुझे पता चला वो फ्रेश पनीर था। हे राम! क्या फ्रेश पनीर खाया तूने? फ्रेश था, फ्रेश, फ्रेश। ऐसे बार बार यहाँ बुझाते हो और मेरी आवाज तंबाकू जैसी बना दी है। अभी भैया को बुलाता हूँ। भैया, मैं खाऊंगा बिरयानी। नहीं, मैं खाऊंगा बिरयानी। मैं पतीला भी खाऊंगा। मैं बिरयानी खाऊंगा। एक मिनट, ये क्या? मैं खाऊंगा। मैं क्या इधर जल चील करने आया हूँ? बस बात सुनो, उसमें कूड़ा है तो बिरयानी किधर है? वो कूड़ेदान में ला रहे हैं बेटा, क्योंकि तुम लोगों ने खाना है, आप समझा करो। और सुनो, जब तक इजाजत ना मिले कोई भी नहीं खाएगा बिरयानी, मैं आपको बोल दूं। हाँ, इजाजत मिलेगी आप खाओ। सुनो, मैं आप सबको एक एक गाली दूंगा, आप भी मुझे एक एक गाली दो। क्यों? क्योंकि कुछ गालियां खानी पड़ती है, कुछ गालियां निकालनी पड़ती हैं, ऐसे जीवन होता है। और सुनो, मैं राखी लेके आया हूँ, मैं तुम दोनों को राखी बांधूंगा। दिमाग खराब हो गया है? कैसी बात करते हो भाई, हम सब तो आपस में भाई हैं, हम कैसे राखी बांधेंगे? देखिए, मैं कोई इतना बेवकूफ नहीं, मैं सब समझता हूँ। तुम दोनों की बॉडी देखकर मुझे अपने आप को पता नहीं क्यों बहन जैसा फील होता है। इसलिए आपको मैं अपना भाई बनाऊंगा। कभी भगवान ना करे कोई भी मुसीबत आए तो मैं चाहता हूँ वो मुसीबत आप दोनों पे आ जाए। भाई ऐसा मत बोलो, तुम मंत्र के एक्ट को जज करना तो मुसीबत मत बोलो प्लीज। Don't talk about mantra, okay? Mantra के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। वो भले कॉमेडी करता लेकिन जनरल नॉलेज इतनी दी ना उससे, मैं क्या बताऊं? अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि अन्ना नाम का उधर आदमी कोई अनशन पे बैठा हुआ है। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता था भारत कोई देश होता है। अरे वो भी कहता है वो हमारा है, हमारा। माई गॉड, आप ही बताओ ना सोहेल भाई। देखो एक बात कहूँ, मंत्रा का नाम लिया देखो गंदगी हो गई। एक बात कहूँ, आप मुझे यहाँ पे कितना मर्जी भाई भाई कहो लेकिन हेलो। देखो एक बात याद रखना, कभी भी कूड़ा कूड़ा नहीं खाता। आप मुझे यहाँ पे कितना मुझे भैया भैया बोलो, भाई बोलो, लेकिन कॉमेडी सर्कस में सेट के ऊपर कोई भी मुझे भाई नहीं बोलेगा, क्योंकि वहाँ पे सब लोग सोचते हैं, क्योंकि मेरी शक्ल सलमान से मिलती, लोग सोचते हैं उसका भाई है। अब ये बना हुआ है तो बना रहने दो, अगर मेरी शक्ल से सलमान को फायदा हो रहा है तो होने दो भाई। एक मिनट, फोन आ गया। अरे गांडा साहब का फोन आया। हेलो, निकल मैं भाई। नहीं भाई, संडे को नहीं आ सकता मैं। नहीं नहीं
नहीं नहीं इंग्लिश का कोई पंगा नहीं, वो मैं याद कर लिया मैंने। लेकिन वो सलमान भाई की शिमला में शूटिंग है भाई। नहीं नहीं वो मुझे पता, उन्होंने नहीं आना, लेकिन ये डोले उन्होंने पहन के जाना वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास तीनों भाइयों के पास एक ही बॉडी सूट है, वही सब लोग पहनते हैं, तो इसीलिए लग रहे हैं। अंदर से तो पता ही हम क्या है। सुना मेरी बात। ओके बात क्या अज्जू ने? नहीं नहीं उसने कोई मोबाइल नहीं चुराया। ना 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 नहीं मुझे क्या बता, वो अपना चुराता, मैं अपना। बात बंद करो भाई। अरे ये क्या गालियों का मतलब क्या हुआ, मुंह क्यों गंदा कर रहे हो, बंद करो। अच्छा सलमान भाई की बात सुनिए ना, चलो तो सलमान भाई की एक आधी फिल्म देखते चलो। अरे क्या उनकी तो सारी फिल्म हिट होती रहती है, अपन अपने भाई की पिक्चर देखेंगे, अपन किसान देखेंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो, किसान किसान, मैंने बहुत हो गया यार, मैंने कब से देख रहा हूँ यहाँ पे किसान की बात करके आप बेइज्जती करना शुरू कर देते हो। ठीक है नहीं हुआ तो ना सी, लेकिन वीर मेरी बहुत सुपर डुपर हुई थी, लेकिन इन लोगों ने किसी ने देखी नहीं तो मेरा क्या कसूर है। लेकिन उससे हमें फायदा कितना हुआ, जितने भी किसान फिल्म में टमाटर बचे थे हमने उसको घोट के एक सॉस बनाई है, किसान टमाटर सॉस। हेलो। हाँ भाई माइंड ब्लोइंग, लड़की ला रहे हो भाई शादी के बिना? अच्छा शादी करके भाभी ला रहे हो, ठीक है कह दिया भाई, ठीक है मैं माइंड ब्लोइंग कर देता हूँ, मतलब बता देता हूँ। भाई शादी करके भाभी ला रहे हैं और भाभी को बोला है कि हम सब हम लोग सब बहुत साफ सुथरे हैं। ये ऐसा झूठ क्यों बोला, गलत बात है। अबे भैया ने भाभी को बोल दिया कि हम सब साफ सुथरे हैं, इसलिए हमें छुपना ही पड़ेगा। अच्छा चलो चलो छुप जाओ, चलो चलो आ जाओ, चलो चलो छुप जाओ। मैं दिख तो नहीं रहा हूँ? तू दिख रहा है। अब तू भी दिख रहा है यार, क्या बात कर रहे तू। अरे सोहेल भाई आप भी दिख रहे हैं यार। मैं दिख रहा हूँ, चलो शुक्र है इतने सारे आर्टिस्टों में मैं तो दिख रहा हूँ, जो दिखता है वो ही बिकता है। अरे लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, छुपने की क्या जरूरत है, अपन भाभी को बोल देंगे अपू इधर है ही नहीं। देख, क्या बोला था तू? अपन बोल देंगे अपू इधर है ही नहीं बोलने का। इतना भी नहीं होता, क्या पता भाभी अंधी ना हुई तो। देखो भाइयों मैं किसे लेकर आया हूँ, तुम्हारी भाभी। अपने गैंडे जैसा शरीर हटाओगे तभी तो भाभी दिखेगी ना। सॉरी। अच्छा ओ हाउ क्यूट, हाउ क्यूट। चलो बिल्डअप दिया कटरीना कैफ का, सामने लिखा है मोहम्मद कैफ। नहीं नहीं एक मिनट, अरे ये भाभी एकदम साफ सुथरी है शी। ये साफ होना अच्छी बात होती है, तो चलो भाइयों अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दो, भाभी को दे दो। चलो इंट्रोडक्शन। हेलो भाभी इधर आओ, ये एक मिनट, ये एक मिनट, डरना नहीं, ये मेरा भाई है, इसकी हाइट से मत डरो, दिमाग इसका बिल्कुल खराब है, सुनो यकीन नहीं आता तो पूछ लो, चैनल पे काम करता है। हाय हाय। अरे तो पागल हो गए क्या, क्या ये जस्ट चिल चिल कर रहे हो, देखो भाभी का मुंह पे खड्डा कर दिया, इधर इधर भी लगा। आप देखो प्रीति जेंटा लगी ना। ए प्रीति जिंटा बोला है, शेखर सुमन नहीं बोला है। आजा तेरे को अपने मेन भाई से मिल, इधर आ। हमारे मेन भाई से मिल, गफूर भाई। ये बहुत सेटल्ड भाई हमारे, मडलैंड में बहुत बड़ा बंगला, घर में एक बीबी रखी है, परमीत सेठी बीबी रखी है इन्होंने, घर के बाहर इनकी गर्लफ्रेंड है कपिल शर्मी, बहुत सेटल्ड भाई हमारे। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नहीं 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 डार्लिंग, बस डार्लिंग आओ, मैं तुम्हें अपने सबसे फेवरेट भाई से मिलाता हूँ, ये देखो। ए, ये है तो हमारा भाई, लेकिन पाला इसे हमने नौकरों की तरह है। भाभी ऐसा मुंह मत बनाओ, इसकी शक्ल ही ऐसी है, ये काटता नहीं है, आप इसे हाथ मिला सकते हो, कोई बात नहीं, नहीं, नहीं। अगर हाथ गंदा हो गया तो हम तेजाब से धो देंगे। हाथ जल नहीं जाएगा इसका? इससे तो जल ही जाए मेरे हाथ। ए! ए! क्या बोली रे तू? ए, आवाज नीचे कर, ए, आवाज ऊपर कर। ऐसा कैसे बोलती है, कैसे भाई रखे रखे, मुझे क्या मार रहा है, इधर आ क्या कर, क्या ये सब। अच्छा छोड़ो वो छोड़ो, ये भाभी तुमको कैसे मिली वो बताओ। ये तो बताओ सबके सामने,
हमारा तो इंट्रो ले लिया, लेकिन भाभी से पहली मुलाकात कैसे हुई वो तो बताओ जरा। ये उन दिनों की बात जब मैं जिम में ट्रेनर हुआ करता। मैं बता रहा था कि उन दिनों में जिम में ट्रेनर हुआ करता था और ये वहां पर वजन घटाने आई थी। मुझे दूसरी ब्रांच से भेजा था कि पहले इंस्ट्रक्टर का वजन घटाओ मोटे। एक मिनट, देखो वजन ऐसे बिल्कुल कम नहीं होता, बिल्कुल ऐसे जिम जाओ कहीं भी जाओ। मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग भी वजन कम करना चाहते हैं तो आप खेलो, जितना आप खेलोगे उतना ही आपका वजन कम होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, खेल से कुछ नहीं होता, 3 साल से खेल रहे हो आज तक वजन कम नहीं हुआ मेरा। क्या क्या खेलते हो, क्या खेलते हो? पत्ते। एक मिनट, पत्ते खेल के आज तक कभी किसी का वजन कम नहीं हुआ? तुम पागल हो पागल। मेरा मतलब है अंताक्षरी खेलो, लूडो खेलो, उससे फर्क पड़ेगा। भाभी इधर आओ, आप मुझे ये बताइए कि सुबह आपको जब उठाएं तो फ्लश टी कितने बजे दे दें? अबे बैठती होती है। अबे जिसके पानी से टी बनाएगी वो फ्लश टी होगा ना। क्या हो? कितने गंजे हो तुम लोग। हुआ क्या आपको? पिजेट। हो क्या रहा आपको? उल्टी आ रही। अरे भाभी हम ऐसी बातें करके उल्टियां ला के भतीजे लाते हैं, हमें पता है भैया से कुछ नहीं होना, आप समझा करो। शर्म नहीं आती तुम लोग को? लीचल इंसान कहते। मैं तो कहती हूँ तुम लोग के चक्कर मुझे पढ़ने नहीं चाहिए था। अरे एक औरत होती दूसरी होती क्या? मैं सब परिवार वालों को बोलती हूँ, अगर आप लोगों को अपनी बेटी को किसी घर में भेजना है तो पहले परिवार देख के भेजो, हम लोग जिंदगी में बस रहने के लिए नहीं आए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुप। खबरदार जो घर में बहू आई तो तुम लोगों ने ऐसा किया तो। अरे बकवास कर रहे हो तुम लोग, भाभी को रोने दो, हटो पीछे। ओए ओए तुम लोगों ने दुखी करा है मुझको। आँख में लगा हुआ थप्पड़ मारूंगा मैं। तूने दुखी करा मुझको तूने। ए रुक 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 जा, इधर आ जा, पागलों से पंगे कौन ले। इतने दुखी मेरे को लगता है इन लोग के साथ मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे पागल होने का लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मैं अगर तुम ऐसे पागल हुई तो हम भी दुखी हो जाएंगे। माफ कर दो, एक्चुअली हमारे घर में कोई औरत नहीं है ना, इसीलिए हमें औरत की इज्जत का एहसास नहीं है। तो माफी मांगो भाभी से। सॉरी सॉरी सॉरी। भाभी के लिए हम एक अच्छा सा गाना सुनाएंगे। गाना गाओ। तुम ये ले 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 एक एक करके गाना सुनाते, एक एक करके। ओके। एक 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 तो दिया है चुप पागल साले उल्लू के। क्या हो तुम लोग? ओके ओके चलो चलो। सुनो हम तो चाहते तुम पागल हो जाओ, क्योंकि यहाँ कॉमेडी सर्कस में सब पागल है समझी, और अर्चना जी को भी पागलपन बहुत पसंद है। ये पागलपन 6 साल से चलता आ रहा है, अभी भी चलेगा और आगे भी चलता रहेगा।